यू आर मोस्ट वेलकम टू द सेंटर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ इंग्लिश बी हाई बुक से फर्स्ट पोयम द रोड नॉट टेकन, अलग रास्ता। अलग रास्ता, इसके मीनिंग, इसका ट्रांसलेशन हम देखेंगे। अलग रास्ता, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी यह कविता, यह बहुत ही चर्चित कविता है और ज़िंदगी में फैसले लेने के बारे में है और यही फैसले हमारा जीवन निर्धारित करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि हैं जो सरल शब्दों में साधारण जिंदगी के अनुभवों को लिखते हैं। उनकी कविताएं साधारण होते हुए भी गहरी समझ वाली होती है। उनकी कविताएं साधारण होते हुए भी गहरी समझ वाली होती है। अब हम कुछ मीनिंग भी पढ़ेंगे इस लेसन का। डाइवर्ज्ड, अलग हुए। वुड मीन्स लकड़ी। फॉरेस्ट मीन्स जंगल या वन, और अरण्य भी बोलते हैं। अंडरग्रोथ मीन्स होता है छोटा सा जंगल। क्लेम मीन्स दावा। वांटेड वियर मीन्स पहनना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वांटेड वियर का तात्पर्य दूसरा कुछ है, हैड नॉट बीन यूज्ड, जिसका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो या इस्तेमाल ना की हुई हो। पैरों से कुचलना, क्रश विथ द फीट, इसे ट्रॉडन TROWDEN भी कहते हैं। ग्रासी मीन्स हरा, या इसे हम इस्तेमाल ना की गई। साई मीन्स विलाप या ऊंची सांस लेना, यहाँ पर इसका मीनिंग ऊंची सांस लेना। दो रास्ते अलग होते हैं, अलग दिशा में, पीले जंगल में। द टू पाथ्स डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शन इन द येलो फॉरेस्ट, और क्षमा करें एंड सॉरी, मैं दोनों की यात्रा नहीं कर सकता और एक यात्री होने के नाते देर तक मैं खड़ा रहा और एक की तरफ दूर तक देखा, जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक, जहाँ वह मुड़ गए घने झाड़ियों और पौधों में। ही टर्न्ड इनटू द थिक बुशेस एंड प्लांट्स एज फार एज ही कुड सी, फिर दूसरे को देखा उतना ही उचित था और शायद बेहतर होने का दावा कर रहा था, क्योंकि उस पर घास ज़्यादा थी और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई थी। हालांकि वहाँ से गुजरते हुए लगा कि दोनों लगभग बराबर ही इस्तेमाल हुए होंगे और दोनों रास्ते सुबह लगभग एक से लग रहे थे। किसी के गुजरने से कहीं भी पत्तियाँ कुचलकर काली नहीं हुई थी। ओह, मैंने पहला रास्ता किसी और दिन के लिए चुना, यह जानते हुए भी कि रास्ते दर रास्ते जाते भी मुझे शक है कि मैं कभी वापस आ पाऊंगा। कुछ सालों बाद गहरी सांस लेते हुए मैं बता रहा होऊंगा आज से सालों और कुछ सालों पहले। जंगल में दो रास्ते जा रहे थे और मैंने रास्ता वही चुना जिस पर कम लोग चले और उसी ने सारा अंतर पैदा किया। Thanks to understand and watching this translation into Hindi.